चले चलते हैं मैदान के बीचों बीच बात करें एक ग्रुप सी के थारों का द्वितीय मुकाबला यानी कि आज का अंतिम मैच है। जी हाँ, गोली की बात करें लाल मंच के लेफ्ट साइड में दामन थामे हैं और ठीक वहीं बात करें मंच के राइट साइड की बात करें इसी में है राजेंद्र एफसी। अपने आप भी एक अच्छी टीम उभर के आती है फिलहाल एकल व्यक्ति के साथ बाई चौर से मिस्टर राजा साथी कमल का कपल एक अच्छी कोशिश की दरोगे जी मैंने दिखाए हैं और देखना ये होगा कि अभी कुछ कुछ समय में मिस मिस को आएंगे बड़ी बात होगी। गोल्डन ईगल यानी कि आप जानते हैं गोल्डन ईगल हम लोग हिंदी में सोचिए सोने की चिड़िया। जी हाँ, क्या ही कमाल का मैच खेला जा रहा है और टीम चाहेगी यहाँ से किसी प्रकार इस मैच को जीते तो प्राज का दौरे को पेश कर पाएंगे। बिल्कुल एक टीम ने तो दावेदारी पेश कर चुकी है सुजन से तो वो टीम है दीवाना कलब लेफ्टो और दूसरी टीम की प्रतीक्षा जो है यहाँ काफी जोरों शोरों से है कि भाई इस यानी आज की ग्रुप बी से कौन सी टीम ग्रुप टॉपर करती है। ग्रुप ए की बात करें आज एक ग्रुप से टॉप किए हैं दीवाना कलब लेफ्टो तो पारी है यहाँ पे ग्रुप टॉप करने की यानी ग्रुप बी से गोल्डन ईगल एक तरफ नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं राधा नगर एफसी। हालिया चीजों की बात करें जिसको अस्सी पलों की बात करें यहाँ पर दोनों ही टीम 0-0 के एंगल को खेलते हुए मौका बन जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ आगे बढ़े हैं लेकिन किस तरह से नगर नहीं बना पाए टेस्ट नहीं बना पाए मुझे यहाँ पर विकल्प होते हैं रहा था टीम के लिए हालांकि मौका जब बनते हैं टीम के लिए मौके को नहीं गंवाना चाहिए। फिलहाल बोल निकल बोल सफल इस बार जैसे कमाल का मैच और कमाल का हेल्प कटिंग मिस्टर राज
दोनों इनसे देखें तो एक है राज ओल्डन लीगल में और एक है राज रामनगर में। राय क्या कहना चाहेंगे इस राज शब्दों को जो खिलाड़ी गांव के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल, राज के बारे में अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं सुजीत जी लोगों के दिलों में आप राज करें। देखो दोनों खिलाड़ी लेफ्ट विंग के खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं आप सुंदर कॉम्बिनेशन है, आप कॉम्पोनेंट कॉम्बिनेशन कह सकते हो। और इसलिए तो कहा जाता खेल खिलाड़ियों से होता है, खिलाड़ियों से नहीं राजन। और इसके बाद खेल की सैनिया को दोनों टीमें खेले हैं। फिलहाल 10 ओवर एलिमेंट साथ में पहुंचा मैं स्पष्ट रूप से समझ के लिए हम कह सकते हैं मौका प्राप्त हुआ और निर्माण के लिए एक चुनौती पेश की जा रही है, बट कोई विकल्प मौजूद नहीं। और चार सात दिनों में एक खिलाड़ी को रोकने की कोशिश करते हुए हमें कैसे रोबिन के साथ आगे बढ़ने का काम किए, क्या यहाँ पर गोल मोमेंट बनेगा जी नहीं, और उस मोमेंट को तोड़ने का काम किए डिफेंडर। खिलाड़ियों को कुछ सपोर्ट नहीं दिख रहा है राजन, और यहाँ पे खिलाड़ियों का सपोर्ट या फार्मिल बन जाए तो हम कह सकते हैं कि गोल्डन ईगल या राधानगर मुकाबला बड़ा है हमारी टीम के लिए। हालांकि अच्छी घोषणा हम लोग कर सकते हैं। अच्छी तरफ देखो जरा अब कहने के लिए सुबह की बाहर इस बार मौका बनेगा। एक दो कुमार बट विकल्प साबित हुए हैं, अभी मौका पर रखता हुआ राधानगर बहुत बड़े समझ सकता। इस बार राजू पार्टी के लिए साथ सबको पहुंचाने में सफल रहे हैं संजय महतो, हालांकि बहुत जितने में सफल नहीं हो पाए जसुमती डोंगा फुटबॉल कमाल का मेज और इस बार संजय माधव द्वारा एक संतराती हुई ले जाता हुआ जिला ना की तरफ गेंद को चाले जरूर है, अच्छी तालमेल के साथ वहां पर गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन उस तालमेल को तोड़ने का काम किया वहां पर डिफेंडर। फिर से एक बार बाएं छोर की तरफ दो खिलाड़ी बॉल को नीचे भागते हुए और उस रेस में कहने के बॉल को फिर गेंद जो है इस्तेमाल कर पार जा चुकी थी अच्छी हेडर के साथ। और देखते ही देखते मैच इंटरवल के आज का जो रिकॉर्ड का थोड़ा सा हम चर्चा कर राजन, लगातार जो जीत हुई है कोयले की दो बार फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जो मैच खेला गया है तो उसके सारे से ही अपनी टीमों को जीत की जरूरत है वो जरूर पहुंचाए थे और इस पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं तरक्की है काफी तेजी से कहेंगे घड़ी की सुई समय सरक रही है, पर ऐसा ना हो घड़ी की सुई जिस तरह से सरक रही है बिल्कुल उसी तरह से मैच जो है गोल्डन ईगल के हाथों से सड़क न जाए और समय रहते वक्त रहते यहां पे मैच को बचाना पड़ेगा गोल्डन ईगल।
इसी मौका के साथ इस बार एम बापे बॉल के क्रम में जिस्मदार छोटे कटकारी खिलाड़ी है राजन, लेकिन हमेशा पावर के लिए जाना पसंद करता है। मौका बना हुआ अपील आई है, अपील को स्वीकारा गया। राजन गेंद सिवल से बाहर चली गई थी नजर आएगा। जी हाँ ये सत्य है। और ये जो एक गोल की बहुत यहाँ पे बनाई हुई एक बहुत को पूरी तरह से डिपेंड करने की कोशिश, लेकिन जाइए अब क्या करें, किस्मत को कुछ और ही मंजूर। और जिस तरह से हमारे गुरुजी ने कहा था करने की पूरी चेष्टा इस वक्त टीमों की बात करें गोल्डन ईगल हर्षक प्रयास कर रही है, लगातार जुड़ रही है कि किस कदर यहां पर एक एक की बराबरी कर इस मैच पर अपने जान को सौंपा जाए और मैच में जीवित रहना किस प्रकार से होगा। ये तमाम मैथड जो है यहां वो रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं हर उन आक्रमण को रोका जा रहा है विरोधी टीम के वो डिफेंसिव लाइन एंड गोलकीपर फिलहाल तक को रोकने में सफल है और किसी वजह से एक गोल की बहुत कभी भी महफूस उनके खाते पर। पूरी टीम को देखे इस समय आप लाइन से इस तरह और इस बार एक और प्रयास हुई है बाइक और से मुझे बढ़ा है यहाँ पर रोकने में सफल होते हैं। पाते गेंद चले जाएगी मैदान से बाहर और इसलिए उनके बचपन में उनका वो नहीं खिलाड़ी है तो आप खेल थोड़ा सा रिस्क कर लेते हैं। एक उनकी खासियत है इनका कोई किया क्या पद उसने अपने गेंद को खेले हैं। इस बार बॉल नहीं है बॉल की तरह में बिजोर से नहीं दिया गया से राजिक प्रयास जैसे वो सीख से ले अगर से इसके तरह मारता लेकिन तक नहीं पहुंच पाए और कैसे बस इसे मंच बाहर लेकिन कौन अच्छे टीम का और शुक्र प्रदान करेंगे क्या रखा राजन मैच में वापसी हो पाएगी ये सवाल बनता है आपके ऊपर और जवाब को ढूंढेंगे ठीक है इसी ग्राउंड के अंदर। फिलहाल तक कॉर्नर की ऑप्शन है यहां पर अब तक प्रयास भी अभी तक लेकिन उन प्रयासों पर रंग देखने पड़े थोड़ी सी गेंद जो ऑफ टारगेट थी अक्रॉस का लाइन खेलने की कोशिश थी हवा में उछलते हुए सही कनेक्टिविटी नहीं हुआ फुटबॉल और हेडबैंड का वरना यहां पे एक एक के बराबर देख सकते थे टीम गोल्डन ईगल। लेकिन सवाल यह है कि इस मैच का पर्याप्त समय अब यहां से कितना बचे हैं भाई वहीं पे टीम चाह रहे हैं एमबापे एंड कंपनी यहाँ पे अगर कुछ समय और विजय कर लेते तो कहीं ना कहीं पैटर्न जीत अपने नाम हो सकती है। इस बार जानवे बॉल तक करें मैं साथी को मोहन अगर सफल संजय के लिए सुंदर सा गीत को रिलीज किए थे कोई भी तो मौजूद नहीं आती जैसे मोहन लेवल के सुंदर सा पांच का बंद कर सकते हैं वांडे वांडे बच्चे को काफी वांडे खेल लेते हैं इसलिए नाम है उसके वांडे क्या नाम है राजन और बसनी की भूल बननी होगी अच्छी कोशिश हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही पर वो अनुमान नहीं संजय तो उन्हें सफल होते हैं जरूर संजय एनवाईएस भोया के जितने भी खिलाड़ीगण हैं आप लोग अपने गाड़ी के सामने चले जाएंगे क्योंकि आपका गाड़ी यहां से भोया के लिए प्रस्थान होने को तैयार है। एनवाईएस भोया के जितने भी खिलाड़ीगण हैं आप लोग अपने गाड़ी के समीप चले जाएंगे क्योंकि गाड़ी यहां से निकलने ही वाली है भोया के लिए। धन्यवाद और आखिरकार गंदराती हुई नहीं रहता हुआ अब सुजीत जी इस गोल के साथ तो मैच का पूरी तरह से शिकंजा कस लिया गया है। अब यहां से मुझे लगता है कोई करिश्मा या चमत्कारी प्रदर्शन ही जो है एक गोल का अंतर है यहां पर राधानगर की टीम एक आध गोल और जलती है तो कहीं ना कहीं वो लेफ्टों तक पहुंच सकती है। काश
एक मैच ऐसा भी खड़ा था जो सेकंड